फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। सलमान खान और जॉन इब्राहिम दोनों ही स्टार्स की फिल्मों का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। अब आप सोचिए, जब दोनों एक ही दिन अपनी फिल्में लेकर आ जाएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगले साल ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई और जॉन की सत्यमेव जयते 2 रिलीज होने वाली है। दरअसल हाल ही में ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया है कि सत्यमेव जयते 2 अगले साल 12 मई को ईद के मौके पर रिलीज होगी। वहीं दूसरी तरफ ये बात किसी से छिपी नहीं है कि साल 2009 के बाद से ही सलमान खान ही ईद के मौके पर अपनी फिल्में लेकर आते हैं। यूं कहें कि ईद का स्लॉट सलमान खान की फिल्मों के लिए बुक रहता है, लेकिन उसके बावजूद जॉन ने अपनी फिल्म सत्यमेव जयते 2 के लिए ईद को चुना है। यानी जॉन ने सीधा सीधा सलमान से पंगा ले लिया है। वैसे भी सलमान और जॉन के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। सालों से ही दोनों के बीच बोलचाल बंद है, और अगर आपको याद हो तो साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेस 3 में पहले बॉबी वाले रोल के लिए जॉन को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन तब ऐसी खबरें आई थी कि सलमान ने मेकर्स के सामने ये शर्त रखी थी कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगे जब जॉन इस फिल्म का पार्ट ना हो। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जॉन की जगह फिल्म में बॉबी को कास्ट किया गया था। वहीं रेस 3 की रिलीज के बाद जॉन ने इस फिल्म पर चुटकी लेते हुए सलमान पर निशाना साधा था। अब आप ही सोचिए, वो दो एक्टर्स जो एक ही फिल्म में काम करने से बचते हों और उनकी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने की बात हो रही हो, तो सोचिए कितना बड़ा बवाल मच सकता है। बता दें, सलमान की राधे को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे। उनके अलावा फिल्म में रणदीप हुड्डा, दिशा पाटनी और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्यमेव जयते 2 को मिलाप जावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में जॉन के साथ दिव्या कुमार खोसला नजर आएंगी। बता दें कि सत्यमेव जयते 2 का पहला पार्ट साल 2018 में रिलीज हुआ था, जो कि काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। वहीं सलमान खान का अपना ही जलवा है। खैर, अब अगले साल लोगों को ईद पर जॉन वर्सेस सलमान खान देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, बॉक्स ऑफिस पर जॉन और सलमान में से किसकी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।